हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स विद पायथन के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको एक तरह का ये चार्ट बनाना सिखा रहे हैं। जी हाँ, ये चार्ट आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, आप इस तरह का डेटा कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक, यहाँ किसी भी चीज को देखेंगे उसके हिसाब से अपने आप चेंज करता है। एचटीएमएल पे बना हुआ है और ए एक्सेल के इस डेटा पे बना हुआ। जनरली हम इसको सेलेक्ट करके इस तरह के चार्ट, हम एरिया चार्ट बनाते तो एक्सेल में है, बट एक्सेल में चार्ट कुछ इस तरह से बनता है जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें क्लिक करने में कुछ ऐसा होता नहीं है, जो है वही रहेगा। अब इसी तरह इसी चार्ट को मैंने एचटीएमएल के अंदर बनाया है जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसकी यूज किया है मैंने पायथन के अंदर पांडाज एंड प्लॉट लाइन मॉड्यूल के बाद हमने यूज किया है। तो कैसे बनाया है, चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो डेटा है वो डेटा को देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार वीडियो है और एक काम की वीडियो जो है, ये देखने के बाद आपको पैथन सीखने के लिए मजबूर कर देगा। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, साथ में लास्ट में हम एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हाँ, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये पी डेटा नाम का फाइल, एक्सेल का जो फाइल है वो डी ड्राइव में पड़ा हुआ है और इसी पे हम बनाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग मॉड्यूल यूज करते हैं, हम वीएस कोड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसका नाम हम लिख देते हैं pdy.py, कोई भी नाम देके एक नई हमने यहां पे बना। सबसे पहले हम यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास प्लॉट लाइन आपके पास नहीं है तो आपको यहां पे नीचे लिखना होगा पिप इंस्टॉल प्लॉट लाइन, ये आपको करना पड़ेगा, करके एंटर मारना पड़ेगा। लेकिन मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये बता रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम इंपोर्ट, क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे प्लॉट लाइन एक्सप्रेस को। तो यहाँ पे प्लॉट लाइन डॉट एक्सप्रेस और एज हम इसको पीएक्स दे देते हैं, क्या देते हैं पीएक्स। उसके बाद यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट पांडास, क्योंकि एक्सेल फाइल पढ़ने के लिए तो पांडाज ही होगा, पांडाज एज ए पीडी कर दीजिए या कुछ और कर दीजिए। फिर यहां पे हम करते हैं इंपोर्ट प्लॉटली, हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। प्लॉटली इंपोर्ट किया, लेकिन प्लॉटली का सिर्फ एक्सप्रेस यूज किए हैं, यहां पे पूरा प्लॉटली को कर रहे हैं। उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं डी इक्वल टू पीडी डॉट रीड एक्सल, और यहां पे हमारा जो एक्सल का जो पाथ है वो पाथ यहां पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, पूरा विद एक्शन। अगर जिस फोल्डर में आपका पाइथन का प्रोग्राम है तो उसी फोल्डर में कर सकते हैं, अदर भी अलग भी कर सकते हैं। अब यहां पे मुझे, मेरे पास कितने कॉलम है, नेम सिटी अमाउंट, तो तीन अलग अलग वेरिएबल लेते हैं, लिखते हैं एन इक्वल टू डी और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नेम, तो नेम जो है एन पे स्टोर हो जाएगा। देन सी सिटी के लिए हमने डी और यहां पे हमने सिटी ले लिया सिटी, और यहां पे लिखते हैं हम आपका एफ, एफ नहीं ए होगा ना, अमाउंट होगा ना पहले, तो ए इक्वल टू हम यहां पे करते हैं डी के अंदर अमाउंट। तो हमने एन नेम सी सी डी और ए एस डिफाइन कर लिया, हालांकि डायरेक्ट भी सकते हैं लेकिन वेरिएबल डिफाइन करने की थोड़ा सा आसानी हो जाती है। उसके बाद यहां पे लिखते हैं एफ इक्वल टू पी एक्स, जो ऊपर हमने लिया हुआ है कि पी एक्स डॉट, हमें ट्री मैप चार्ट चाहिए तो हमने ट्री मैप चार्ट ले लिए, और ट्री मैप चार्ट में हमने बोला कि हमारा जो डी है यहाँ पे डी आ जाता है, उसके बाद पाथ क्या है हमारा, मैं किस किस कॉलम पे लगाना है, तो हमने बोला पाथ इक्वल टू हमें जो लगाना है वो लगाना है एन और सी नेम और सिटी पे, तो एन कॉमा हमने सी दे दिया। अब इसमें वैल्यू नहीं डाला मैंने, ए नहीं डाला, ए डालेंगे आगे। अब यही पे कॉमा हमने ए कर दिया। अब कलर किसके हिसाब से करना है, अब यहां पे स्पेस मार के नीचे भी लिख सकते हैं कि वैल्यूज इक्वल टू ए फिर कॉमा, इसके बाद हमने बोला कलर जो लगाना है
कलर लगाना ए के हिसाब से। अब बारी आती है कलर क्या करना है, कलर स्केल की। तो कलर अंडरस्कोर कंटिन्यूस से स्केल, अब हमने इसके अंदर हमें दो कलर चाहिए, रेड एंड ग्रीन। तो यहां पे रेड कॉमा ग्रीन दे दिया, रेड एंड ग्रीन। और टाइटल जो देना है आपको यहाँ पे टाइटल दे दीजिए, यहाँ पे यहाँ कॉमा नहीं किया, यहाँ पे कॉमा कीजिए, एंड एड्रेस कीजिए, और यहाँ पे टाइटल, टाइटल इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया सेल्स रिपोर्ट 2021, सिंपल सा। अब इतना करने पे दिखेगा नहीं, अब इसको मुझे इसकी फाइल बनानी पड़ेगी ना। तो मैंने यहाँ पे प्लॉटली डॉट, हमने इसकी ऑफलाइन फाइल निकाली, और ऑफलाइन फाइल में मैंने इसको प्लॉट के अंदर एफ हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा एफ ही है, एफ ले देते हैं। और इसके बाद फाइल नेम आपको देना पड़ेगा कि फाइल नेम क्या है। तो फाइल नेम में मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया सिटी डॉट एच टी एम एल, सिटी डॉट एच टी एम। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ ए लगा हुआ है रेड लाइट, तो ये हो सकता है कि ये हमारा स्पेस फालतू आ गया है, ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। अभी भी ग्रे, अभी भी हमारा रेड है, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ हुआ। बाइक क्लोज तो कर दिया हमने, बाइक क्लोज, हाँ यहाँ कॉमा छुटा हुआ है, अब रेड हट गया, मतलब कि प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब इसको मैं रन करता हूं, रन करने के बाद इसने इस लोकेशन पे बना दिया, और एक देखिए यहाँ पे खुल गया। अब इस लोकेशन पे आप जाएंगे एसएल पैथन, इस लोकेशन पे इसने बना दिया, जिस लोकेशन में मेरे पैथन फाइल क्रिएट हुआ उस पे बन गया चार, और ग्रीन टू रेड है, क्या है, ग्रीन टू रेड। इस तरह से अब क्वेश्चन आता है एक अनाउंसमेंट का जो मैंने आपको बताया था, अगर आप ये पैथन सीखना चाहते हैं, जी हाँ, कंप्लीट मेरे साथ लाइव, तो आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा एक बैच जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है ट्यूजडे से, आई थिंक ट्यूजडे से स्टार्ट होने वाला है, मॉर्निंग 6 बजे का, जी हाँ 6 AM का एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम पैथन एंड पैंडाज एनाकोंडा पढ़ाने वाला। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत अपनी सीट बुक कीजिए, सीट बुक करने के लिए नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे, कॉल कीजिए। इसकी जो पेमेंट होगी जस्ट 3,000, जी हाँ सिर्फ 3,000 इसकी फीस होगी, बाकी इंस्टीट्यूट 40,000 45,000 चार्ज करते, लेकिन मेरी ग्रुप क्लास होने के कारण जस्ट आपको 3,000 पे करना है। ये आपका 30 to 40 डेज का क्लासेस चलेगा, तो फटाफट नंबर लीजिए, कॉल कीजिए। थैंक यू।